नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा का जो खंड हमारा छूट गया था, जो अंग्रेजी शिक्षा का भाग हमारा छूट गया था, उसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। हमने कल आंग्ल प्राच्य विवाद पढ़ा था, जहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से जो है ये तय हुआ कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा देनी है, क्यों देनी है, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और जो लास्ट पॉइंट रह गया था कि आखिरकार जब अंग्रेजी शिक्षा देने की बात आई कि हमें अंग्रेजी शिक्षा देनी है भारतीयों को, तो कैसे देंगे, क्योंकि भारतीय लोग तो इस बारे में जानकारी रखते नहीं है, वो तो बहुत गरीब हैं, शोषित हैं। तो कैसे करके इन गरीब लोगों को, इन गरीब भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए? क्या प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जाए घर घर जा करके? क्या प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए? तो ऐसा नहीं था। मैकाले एक बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए उसने अपना एक नया सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, हिंदी में कहते हैं अधोमुखी निस्छेदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्छेदन का सिद्धांत क्या था विद्यार्थियों? इस सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले ने यह तय किया कि अंग्रेजी शिक्षा केवल समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाएगी, ये हम ध्यान रखेंगे। यहां पर इसने तय किया कि हम जो अंग्रेजी शिक्षा है वो गरीब लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि गरीब लोग एक तो इस शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पहुंच से बाहर है ये शिक्षा, प्लस ये प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है कि हम हर गरीब व्यक्ति को या भारत के प्रत्येक नागरिक को हम अंग्रेजी शिक्षा जो है सिखा दें। इसीलिए हम शिक्षा देंगे केवल अमीर वर्ग को, जो समाज का उच्च वर्ग होगा उसको जो है हम ये शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, केवल उसको। अब इससे होगा क्या? तो लॉर्ड मैकाले बहुत अच्छी तरह से जानता था जो भारतीयों की साइकोलॉजी है, जो भारतीयों का मनोविज्ञान है, उससे बहुत अच्छे से वाकिफ था। और वो जानता था कि जो निम्न वर्ग होता है सदैव उच्च वर्ग के जो चीज़ें होती हैं, जो रहन-सहन होता है, उसके जैसा बनना चाहता है, यानी अपने से उच्च वर्ग को वह कॉपी करता है। हमारे समाज में भी ये कई बार देखने को मिलता है, यदि कोई हीरो फटी हुई जीन्स पहन ले तो सारे के सारे युवा जो हैं फटी हुई जीन्स पहनना शुरू कर देते हैं, है ना, बिना सोचे समझे कि आखिरकार इसके पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन चूंकि एक बड़े स्टार ने फटी जीन्स पहन ली है तो फैशन बन गया, अब सारे के सारे युवा जो है कमर के नीचे पैंट बांधते हुए फटी जीन्स ही पहनेंगे। तो ये सब तो चलता रहता है, यानी आज जो बात हम समझ पा रहे हैं इसको लॉर्ड मैकाले ने 1835 में ही समझ लिया था। उसने कहा हम शिक्षा देंगे केवल उच्च वर्ग को। किस वर्ग को? जमींदारों को हम अंग्रेजी शिक्षा देंगे। अब जब जमींदारों को अंग्रेजी शिक्षा देंगे तो उनके यहाँ जो काम करने वाले नौकर चाकर हैं, जब वो अंग्रेजी सीख जाएंगे, जब जमींदार अंग्रेजी सीख जाएंगे तो अपने नौकर चाकरों को भी अंग्रेजी में आदेश देंगे, तो नौकरों चाकरों की भी ये मजबूरी हो जाएगी कि वो अंग्रेजी सीखें। अब उनको अंग्रेजी सिखाने की जिम्मेवारी अंग्रेजों की नहीं होगी, उनको अंग्रेजी सिखाने की जिम्मेवारी होगी विद्यार्थियों जमींदार की। तो जमींदार के आसपास के लोगों को जमींदार स्वयं अंग्रेजी सिखा देगा। और जब ऐसे लोग जो जमींदार के संपर्क में रहेंगे, अब मान लीजिए जमींदार के यहाँ कोई मिलने आ रहा है तो वो क्या देखेगा कि जमींदार तो अंग्रेजी बोल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेगा। यानी होगा ये कि जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है ये समाज के उच्च वर्ग से छनते छनते नीचे निम्न वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगा, और इसमें अंग्रेजों को कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें किसी को अंग्रेजी सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये अंग्रेजी का ज्ञान उच्च वर्ग से छनते छनते नीचे निम्न वर्ग तक पहुंच ही जाएगा। यदि आपने किसी से फेसबुक पर चैटिंग की होगी तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपने किसी को नमस्कार कहकर नहीं बोला होगा। यदि किसी महिला के साथ आपकी फेसबुक पर चैटिंग हो रही होगी तो आपने पहला वर्ड बोला होगा हाय, हाय से हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा उधर से भी मैसेज, अगर आपका लक बढ़िया है तो हो सकता है उधर से भी मैसेज आ जाए हेलो, फिर आप क्या करेंगे, फिर हम कहते हैं हाउ आर यू, है ना, तो उधर से मैसेज आता है आई एम फाइन। उसके बाद जो अगला हमारा शब्द होता है वो होता है कहाँ से हो, फिर हम इसके आगे की अंग्रेजी नहीं जानते हैं। यही हाय हेलो और हाउ आर यू तक अंग्रेजी चलती है, उसके बाद जो चैटिंग है हिंदी पर आ जाती है। अब हमें ये किसने सिखाया कि हाय बोलना है, हेलो बोलना है, हाउ आर यू बोलना है, आई एम फाइन बोलना है? हमें किसी ने नहीं सिखाया, किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि फेसबुक पे चैटिंग में यहाँ से शुरुआत करनी है। ये फिर हमने किसने सीखा, ये हमसे किसने सीखा? तो हमने ये जो शब्द हैं जो सीखे हैं समाज से सीखे हैं, क्योंकि समाज में ये प्रचलन में है, हमने पिक्चरों में देखा है, हमने टीवी में देखा है। तो वहाँ पर चूंकि हीरो ऐसे ही हीरोइन से बात करता है तो वो उच्च वर्ग का प्राणी है, वो ऐसा बर्ताव कर रहा है, हम निम्न वर्ग के प्राणी हैं तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, और हमने भी
यहीं से बोलना शुरू कर दिया। अब ये जो ज्ञान है ये हमारे पास उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक छनते हुए पहुंचा है, इसीलिए इसी चीज को आधार बना करके लॉर्ड मैकाले ने अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत दिया। उसने कहा हम अंग्रेजी का ज्ञान देंगे केवल समाज के उच्च वर्ग को, केवल निम्न वर्ग को हम इसका ज्ञान नहीं देंगे, निम्न वर्ग तक ये ज्ञान अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये थ्योरी कहलाई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत, जो कि लॉर्ड मैकाले ने दिया था अंग्रेजी शिक्षा के संदर्भ में। एक लाइन की बात है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये जो है चीजें प्रारंभ होती हैं। अब यदि हम देखें तो इसके प्रभाव क्या हुए, तो विद्यार्थियों इसी इन्हीं सब चीजों के बीच में ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे इन्हीं सब विवादों के बीच में स्थापना होती है 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की। ये कुछ बेसिक फैक्ट है जिन्हें आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। वैसे आपसे पूछ लेगा भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज, तो 1835 में भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई जिसका नाम था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ये सीधे सीधे आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो 1835 में स्थापना होती है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की, जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना होती है 1835 में। 1847 में विद्यार्थियों खुलता है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, जिसका नाम है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। ये वर्तमान समय में एक आईआईटी है, आईआईटी रुड़की, और इसकी स्थापना जो है हुई थी 1847 में। और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में खोले जाने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, 1835 में खुला कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और 1847 में खुला रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, दोनों ही जानकारी महत्वपूर्ण है, ये तो पेपर में पूछा गया है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो एक कॉलेज और खोला गया 1854 में जिसका नाम है ग्रांट मेडिकल कॉलेज, जो बम्बई में था, और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब यहां आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों अगला विषय, जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण, और अब हम जानेंगे भारतीय शिक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, कुछ महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जो एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछता है। तो पहला यहां पर घोषणा पत्र है विद्यार्थियों, हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबने आपने इसका नाम सुना होगा, चार्ल्स वुड का डिस्पैच नियम। चार्ल्स वुड का डिस्पैच नियम, इसे हम चार्ल्स वुड की घोषणा भी कहते हैं। और चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र या चार्ल्स वुड का डिस्पैच नियम किस वर्ष आया है, तो 1854 में आया है विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस वर्ष आया है, 1854 में। भारतीय शिक्षा से जुड़ा हुआ बेहद ही महत्वपूर्ण नियम जिसका नाम है चार्ल्स वुड का डिस्पैच नियम। पहला पॉइंट जो आपको इसके बारे में याद रखना है विद्यार्थियों, वो है कि इसे हम कहते हैं, ये मैं आपको कल भी बताया था, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इस अधिनियम को हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया है विद्यार्थियों जिसका नाम है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये इस बात को इंडिकेट करता है, या मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये इस बात को दर्शाता है जहां पर आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए जाए। मैग्ना कार्टा शब्द का मतलब होता है महाअधिकार पत्र, यानी कोई ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए जाए, कोई ऐसी घोषणा जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है विद्यार्थियों चार्ल्स वुड का डिस्पैच नियम। इसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है। प्रश्न वहां आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को जो मूल अधिकार हैं वही कहलाते हैं
संविधान का वैगना काटा, क्योंकि मूल अधिकार नामक चैप्टर के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिल गई हैं, बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं, तो उसको हम कहते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना काटा। यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है तो ये है भारतीय शिक्षा का मैग्ना काटा, चार्ल्स वुड का डिस्पैच नियम जो कि आया है 1854 में। अब जरा हम देखते हैं कि आखिरकार इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि इस डिस्पैच नियम के अंतर्गत ये घोषणा की गई कि जो सरकार है, जो अंग्रेजी सरकार है, जो कंपनी सरकार है, उसका जो सीधा सा लक्ष्य है वो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत ये सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया गया कि जो सरकार है, जो सरकार काम कर रही है, जो कंपनी शासन काम कर रहा है भारत में, उसका लक्ष्य है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। यानी स्पष्ट रूप से इसमें हमें प्रभाव दिखाई देता है लॉर्ड मैकाले की नीति का। तो लॉर्ड मैकाले की नीति का ही असर था यहाँ पर, जिसमें वो डिस्पैच नियम में ये घोषणा की गई कि सरकार का लक्ष्य है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी इस अधिनियम के बारे में वो ये कि यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाएगी। मातृभाषा यहां पर स्पष्ट कर दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा में ही दी जाएगी, जबकि जिला स्तर पर एंग्लो वार्नाक्यूलर स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में दी जाएगी। ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा होगी बच्चों की, जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, वो उनकी मातृभाषा में ही दी जाएगी, जिसको वो बोलते हैं, चाहे मराठी बोले, चाहे गुजराती बोले, चाहे तेलुगु बोले, चाहे असमीज बोले, कुछ भी बोले, वो उनको उनकी मातृभाषा में ही दी जाएगी। लेकिन जिला स्तर पर एंग्लो वार्नाक्यूलर स्कूल खोले जाएंगे। अब ये एंग्लो वार्नाक्यूलर स्कूल क्या है विद्यार्थियों? तो देखो, एंग्लो का मतलब है अंग्रेजी और वार्नाक्यूलर का मतलब है मातृभाषा। ध्यान रखना, वार्नाक्यूलर का मतलब होता है मातृभाषा। यानी जिला स्तर पर ऐसे स्कूल होंगे जहां पर अंग्रेजी, यहां पर उनको उनकी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी दिया जाएगा। तो यहां पर जो एंग्लो वार्नाक्यूलर स्कूल है, ये हाई स्कूल जो होंगे विद्यार्थियों, इन स्कूलों में मातृभाषा, वार्नाक्यूलर का मतलब है मातृभाषा, तो यहाँ पर मातृभाषा की मातृभाषा के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। यानी मातृभाषा में भी शिक्षा दी जाएगी, जो आप भाषा बोलते हैं, जो मदर टंग है आपकी, उसमें भी शिक्षा दी जाएगी, प्लस आपको अंग्रेजी का ज्ञान भी उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाएगी हाई स्कूल स्तर में। ये जिला स्तर पर स्कूल बनाने की बात की वो डिस्पैच के नियम के अंतर्गत। यानी प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में मिलेगी, लेकिन जब आप हाई स्कूल स्तर पर पहुंचेंगे तो जिला लेवल पर आपको स्कूल मिलेंगे जो कि होंगे एंग्लो वार्नाक्यूलर स्कूल। और इन एंग्लो वार्नाक्यूलर स्कूल में लोकल लैंग्वेज के साथ साथ आपको इंग्लिश का ज्ञान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। यह घोषणा की गई वुड डिस्पैच नियम के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस वुड डिस्पैच नियम के अंतर्गत यह कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, यह इसमें कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे विद्यार्थियों, जो कि कौन कौन से होंगे? कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये विद्यार्थियों, कि बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज, तो लंदन यूनिवर्सिटीज की तरह ही इंडिया में 3 नए यूनिवर्सिटीज ओपन किए गए, जो कि थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी ओपन किए गए वो डिस्पैच नियम के अंतर्गत 1854 में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय,
किस नियम के अंतर्गत खोले गए, तो वो डिस्पैच नियम के अंतर्गत इनको खोला गया था। किसकी तर्ज पर थे विद्यार्थियों, तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर इन सभी स्कूलों को खोला गया था, ठीक है ना। तो ये है विद्यार्थियों चार्ल्स वुड का डिस्पैच नियम। और एक पॉइंट इसमें और है कि इसी नियम के अंतर्गत महिला शिक्षा को, इसी नियम के अंतर्गत महिला शिक्षा को बल दिया गया, यानी इसमें महिला शिक्षा की भी बात यहां पर इन्होंने की थी। तो ये है विद्यार्थियों चार्ल्स वुड का डिस्पैच नियम, काफी महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसमें बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, लेकिन जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल होंगे। इसके अलावा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय खोले गए, और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में महिला शिक्षा को भी समर्थन दिया गया। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास नियम है विद्यार्थियों, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, वो है, अगला जो हमारे पास नियम है विद्यार्थियों वो है हंटर शिक्षा आयोग। शिक्षा से जुड़ा हुआ अगला जो नियम है या अगला जो विकास क्रम है वो है हंटर शिक्षा आयोग। तो हेडिंग डाल लीजिए विद्यार्थियों, हंटर शिक्षा आयोग 1882-1883 में ओपन किया गया, मतलब 1882-1883 में आया हंटर शिक्षा कमीशन। हंटर शिक्षा कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो नाम से ही स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो अध्यक्ष इसके कौन है विद्यार्थियों, अध्यक्ष हैं इसके डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर इस कमीशन के अध्यक्ष हैं। प्लस हंटर कमीशन में जो महत्वपूर्ण बात है वो हम देखें यहाँ पे, तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हंटर शिक्षा आयोग का जो जो लक्ष्य था या इनका जो मुख्य जो क्षेत्र था वो किस पर आधारित था, या हंटर शिक्षा आयोग का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से था, प्राथमिक शिक्षा से था, माध्यमिक शिक्षा से था, या विश्वविद्यालय शिक्षा से था। तो ये चीज आपसे पेपर में पूछ ली जाती है। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि हंटर शिक्षा जो आयोग है इसका जो संबंध है वो है विद्यार्थियों प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से, पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो हंटर शिक्षा आयोग का संबंध किससे है, हंटर शिक्षा आयोग का संबंध है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से, पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये कि हंटर शिक्षा आयोग का संबंध किससे है। तो हंटर शिक्षा आयोग का संबंध किससे है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से है, ध्यान रखेंगे पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अध्यक्ष कौन है इसके, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। यदि हम देखें कि इसकी विशेषताएं क्या है विद्यार्थियों, तो पहली विशेषता यह है कि इस आयोग ने जो सिफारिश लगाई वो ये लगाई कि सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दे, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दे सरकार। इस आयोग की जो पहली रिपोर्ट थी वो ये कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी इन्होंने कहा, इस आयोग ने ये सिफारिश की गवर्नमेंट से कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दे, प्लस प्राथमिक शिक्षा जो हो वो मातृभाषा में ही हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, है ना, विशेष ध्यान रखा जाए कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही हो, ऐसी भाषा में हो जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है या दूसरे जो महत्वपूर्ण इन्होंने सिफारिश लगाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो ये लगाई कि हाई स्कूल स्तर पे, है ना, इन्होंने बोला कि हाई स्कूल स्तर पे दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, इन्होंने बोला हाई स्कूल स्तर पे दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो। कौन कौन सी शिक्षा व्यवस्था हो, पहली हो विद्यार्थियों साहित्यिक शिक्षा, इन्होंने कहा हाई स्कूल स्तर पे दो प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, पहला साहित्यिक शिक्षा, दूसरा व्यवसायिक शिक्षा। क्यों, इनका मानना था कि जो लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, उनको
भविष्य के लिए साहित्य शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वह साहित्य का अध्ययन करके उसको समझ सकते हैं, उसको समझ पाएंगे वो। और ऐसे लोग जिनका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, उनको साहित्य पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमें व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, है ना। व्यावसायिक शिक्षा जिससे वह कुछ कर सके, है ना। अगर वह पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं तो कोई व्यवसाय कर सके, कोई बिजनेस कर सके, या कोई ऐसा काम कर सके जिससे वह अपना जीवन बिता सके। इसीलिए जो लोग पढ़ाई लिखाई में जिनका मन है उनको भविष्य में साहित्यिक शिक्षा का ऑप्शन मिलना चाहिए, जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है उनको व्यावसायिक शिक्षा मिलनी चाहिए, और ये हाई स्कूल स्तर पर होना चाहिए। ऐसी सिफारिश लगाई हंटर शिक्षा आयोग ने, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है, ध्यान रखेंगे हम इसको और आप इसको नोट कर लीजिए। और हंटर शिक्षा आयोग ने भी स्त्री शिक्षा के ऊपर बल दिया, इन्होंने कहा स्त्री शिक्षा यहाँ पर भी होनी चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं कि इसका जो है प्रभाव क्या देखने को मिला। तो विद्यार्थियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस अधिनियम की वो ये है कि इसी अधिनियम के बाद विद्यार्थियों 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी अधिनियम के बाद 1882 में ओपन हुआ पंजाब विश्वविद्यालय, और इसी अधिनियम के बाद 1887 में ओपन हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो हंटर शिक्षा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हुई है, है ना। तो इसी अधिनियम की रिपोर्ट, इसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 1882 में ओपन हुआ पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में ओपन हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यूपी स्पेशल में हम इसको पढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ आप जान लीजिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो कि ओपन हुआ है हंटर शिक्षा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके चलिए, अब इस समय तक सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। शिक्षा के क्षेत्र के ऊपर जो लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट है उसका पूरा पूरा प्रभाव था। ज़्यादातर जो लोग थे वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से सहमत थे, लेकिन अब स्थिति यहाँ बदलने वाली है, क्योंकि अब भारत का गवर्नर बन के आएगा लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जब भारत का गवर्नर बन के आएगा तो लॉर्ड कर्जन जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करेगा। लॉर्ड मैकाले ये कहेंगे, मतलब लॉर्ड कर्जन ये कहेंगे कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है विद्यार्थियों, वो जो मातृभाषा, जो आपका जो भारत की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो भारत की भाषाएं हैं, उनके विरोध में है। इसीलिए उसने लॉर्ड मैकाले की नीति की कड़ी आलोचना की और फिर उसने अपने तरीके से इनको डील किया, और उसके प्रभाव हमें भारत में देखने को मिलते हैं। और 1902 में लॉर्ड मैकाले ने 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 1902 में लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया। अच्छा, इस समय गवर्नर कौन था भारत का? तो इस समय भारत का गवर्नर है विद्यार्थियों लॉर्ड कर्जन, ये हम ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड कर्जन जो है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का विरोधी है, इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया, जिसमें दो भारतीय सदस्य भी शामिल थे, जिनके नाम आपसे पेपर पूछ लेता है कि प्रथम विश्वविद्यालय आयोग में कौन कौन से भारतीय सदस्य शामिल थे। तो इसमें दो भारतीय सदस्य शामिल थे जिनके नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दो भारतीय सदस्य भी इस आयोग में शामिल थे, ध्यान रखेंगे, इनके नाम पेपर में पूछ लेता है। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी इसमें शामिल थे,
प्लस दूसरे जो व्यक्ति शामिल है उनका नाम है जस्टिस गुरदास बनर्जी। तो गुरुदास बनर्जी ये दो भारतीय लोग थे इस आयोग में शामिल। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय अधिनियम, एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया और इस विश्वविद्यालय आयोग में दो भारतीय सदस्य शामिल थे जिनके नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। ये दो भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल थे और इसी विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बनाया गया। ध्यान रखेंगे 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना जिसके दो सदस्य थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी और इसी आयोग की सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। चलिए तो आप हेडिंग डाल लीजिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए यहां पर विश्व विद्यालय अधिनियम 1904। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना है 1902 के विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें आने के बाद। अब इस अधिनियम में क्या क्या कहा गया वो जरा हम देख लें, क्या क्या कहा गया इस अधिनियम के अंतर्गत। तो इस अधिनियम में जो पहली चीज की गई वो ये कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाए, यानी जो रिसर्च का काम है उसको बढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटीज में शोध कार्यों को बढ़ाया जाए, रिसर्च का काम बढ़ाया जाए और यह भी तय किया गया कि जो रिसर्च करने वाले विद्यार्थी होंगे उन्हें फेलोज कहा जाता है, रिसर्च फेलोज कहा जाता है। तो यह भी कहा गया कि किसी भी विश्वविद्यालय में न्यूनतम शोध छात्र जो होंगे वो 50 और अधिकतम होंगे 100। ये भी इन्होंने निश्चित कर दिया कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाए और कम से कम एक यूनिवर्सिटी में 50 शोध छात्र होने चाहिए जिनकी संख्या 100 से ज्यादा ना हो। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये शोध छात्र जो हैं, ये जो रिसर्चर थे ये आते कहां से थे। तो ये जो रिसर्च स्कॉलर होते थे, ये जो फेलो होते थे, इनको नॉमिनेट करती थी सीधे सीधे गवर्नमेंट, इनको सरकार मनोनीत करती थी। इस समय तक इनके लिए परीक्षा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो यहां पर शोध छात्रों को, शोध कार्यों को बढ़ावा दिया गया और ये कहा गया कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में न्यूनतम शोध छात्र 50 तथा अधिकतम 100 हो सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई वो ये कि विश्वविद्यालय सुधार के लिए सालाना 5,00,000 रुपए दिए जाएंगे। ये यहां पर कहा गया कि विश्वविद्यालय सुधार के लिए सालाना 5,00,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया है उसमें शोध कार्यों को बढ़ाए जाने की बात की गई, जो रिसर्च फेलो है उनकी संख्या निश्चित कर दी गई न्यूनतम 50 अधिकतम 100 और विश्वविद्यालय के सुधार के लिए सालाना 5,00,000 रुपए देने की बात यहां पर की गई। ठीक है विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो कि आया है थॉमस रेले की अध्यक्षता में बने विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के बाद। आगे बढ़ते हैं यहां पर हम लोग, इसे मैं साफ कर देता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लेना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ओके, तो अगली जो चीज है यहां पर वो है विद्यार्थियों 1913 का सरकारी प्रस्ताव। ये मैं आपको ओरली बता देता हूं, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं इसे। 1913 के सरकारी प्रस्ताव के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकारी घोषणा 1913 के अंतर्गत, सरकारी प्रस्ताव 1913 के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा
और पिछड़े वर्ग या समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी 1913 के सरकारी प्रस्ताव के अंतर्गत। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओरली बता दिया है, जो लोग नोट करना चाहें वो कर लें। और आगे हम डालते हैं हेडिंग यहाँ पर, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। हेडिंग डाल लीजिए विद्यार्थियों, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग बना है 1917-1919 सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919। देखें जरा हम इसको, तो सबसे पहला प्रश्न क्यों बनाया गया था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, तो इसको बनाने का कारण क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या सुलझाने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए। ये विश्वविद्यालय आयोग क्यों बनाया गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या सुलझाने के लिए इस आयोग को बनाया गया। अध्यक्ष कौन थे इसमें, तो अध्यक्ष इसके हैं विद्यार्थियों डॉक्टर एम सैडलर। अध्यक्ष यदि हम देखें तो अध्यक्ष इसके सैडलर ही हैं। अध्यक्ष कौन है, इसके सैडलर ही हैं। इसके अलावा इसमें दो भारतीय सदस्य भी शामिल हैं जिनके नाम आप लोग नोट कर लीजिए, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसमें जो भारतीय सदस्य शामिल हैं उनके नाम मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। उनके नाम हैं डॉक्टर आशुतोष, दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये दो भारतीय सदस्य थे इस आयोग में शामिल, जबकि अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर एम सैडलर। क्यों बनाया गया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए इसको बनाया गया था। सिफारिशें देखें भैया, क्या सिफारिशें लगाई, तो पहली जो सिफारिश इन्होंने यहां पर लगाई वो ये लगाई कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, जो कि आज तक चल रही है, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की। आज भी स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की ही है, अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक लगाएंगे तो तकरीबन 12 साल ही हो जाएंगे, यदि आपको किसी क्लास में विशेष मेहनताना प्राप्त ना हुआ हो, यदि आप फेल ना हुए हो, तो सामान्य रूप से 12 वर्ष की होती है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है ये अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया है, इसीलिए बकवास है, इसीलिए ध्वस्त है, इसीलिए हमारे यहाँ वैज्ञानिक पैदा नहीं होते, इसीलिए हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया खोजें नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारा कुछ है ही नहीं, ये सब तो अंग्रेज अपने हिसाब से बना गए, और अंग्रेजों ने बनाया होगा तो अपनी व्यवस्था को अपने लाभ को देखते हुए बनाया होगा, हमारे लाभ को देखते हुए थोड़ी बनाया गया होगा, लेकिन हम उन्हीं चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, लकीर के फकीर हैं, तो उसमें कोई बदलाव हमने नहीं किया है। तो स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए ये कहा गया, आज तक ये चल रहा है। दूसरा ये कहा गया, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस अधिनियम में की गई वो ये कि स्नातक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल आज भी चल रही है। दूसरी घोषणा की गई इस आयोग के द्वारा कि स्नातक शिक्षा 3 वर्षीय हो, आज तक 3 वर्षीय ही है, 3 साल की होती है ग्रेजुएशन डिग्री नॉर्मल, अगर आप बीए बीएससी करते हैं तो, बीटेक वगैरह करते हो तो वो 5 साल की है, अदरवाइज तो 3 साल की ही है ना, तो 3 साल की स्नातक शिक्षा होनी चाहिए जो आज भी 3 साल की ही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो की गई है इस अधिनियम के अंतर्गत वो ये कि स्नातक में प्रवेश ट्वेल्थ के बाद हो, पहले क्या होता था हाई स्कूल के बाद ही हो जाता था, लेकिन आयोग ने सिफारिश लगाई कि नहीं स्नातक में प्रवेश होना चाहिए कक्षा 12वीं के बाद। इसके अलावा यदि हम देखें तो महिला शिक्षा के प्रचार के लिए इसने काम किया, इस आयोग ने महिला शिक्षा के प्रचार हेतु कलकत्ता
विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा के प्रचार हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा प्रचार बोर्ड बनाया गया। महिला शिक्षा प्रचार बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिला शिक्षा प्रचार बोर्ड किस विश्वविद्यालय अधिनियम में बनाया गया? सैडलर विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय के भीतर महिला शिक्षा प्रचार बोर्ड बनाया गया। यदि हम देखें इसके प्रयास तो काफी महत्वपूर्ण प्रयास रहे इस अधिनियम के अंतर्गत, तो जरा एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो देखिए विद्यार्थियों, इसी अधिनियम के बाद 1916 में, इसी अधिनियम के बाद 1916 में बीएचयू बना 1916 में बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में इसी अधिनियम के बाद बना। दूसरा यदि हम देखें तो इसी अधिनियम के बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय ओपन हुआ। पटना विश्वविद्यालय बेहद महत्वपूर्ण, पटना विश्वविद्यालय इसी अधिनियम के बाद ओपन हुआ। इसी अधिनियम के बाद 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय संभवतः ये हैदराबाद में है, ये आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे शायद हैदराबाद याद आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही जवाब यदि आपको पता हो तो। इसके अलावा 1920 में बना विद्यार्थियों बहुत ही फेमस AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसी विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद 1920 में स्थापित की गई। और 1921 में बना लखनऊ विश्वविद्यालय, इसको भी आप नोट कर ही लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 1921 में बना विद्यार्थियों लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसी सैडलर विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद भारत में 1916 में बीएचयू बना, 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में उस्मानिया, 1920 में एएमयू और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये सारी की सारी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, पेपर में सीधे सीधे इनके सन पूछ लिए जाते हैं कि ये कब स्थापित हुए, तो काफी महत्वपूर्ण है ये विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे है, अब आगे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली नोट करेंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यदि हम देखें आगे, तो आगे है शिक्षा की वर्धा योजना, बहुत छोटी सी है, इसको हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे बस, पेपर में जितना आता है केवल उतना। अगली है शिक्षा की वर्धा योजना, हालांकि ये योजना जो है कभी पास नहीं हो पाई है ना, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण तो है ही, पेपर में पूछ लेता है शिक्षा की वर्धा योजना। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, छोटा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। तो अगला है इसमें शिक्षा की वर्धा योजना, शिक्षा की वर्धा योजना, शिक्षा की वर्धा योजना किस वर्ष आई है विद्यार्थियों? 1937 में आई है, 1937 में शिक्षा की वर्धा योजना आई है 1937 में। किसने तैयार किया है इसको? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको तैयार किया था, ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, और इस योजना को हरिजन पत्रिका में प्रकाशित किया गया,
इस योजना को हरिजन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। और इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है शिक्षा की वर्धा योजना किस वर्ष आई और किसने बनाई, बस। और कुछ भी आपसे पेपर में नहीं पूछने वाला है, छोटे छोटे हैं बस, एक एक लाइन के, इन्हें आप नोट कर लीजिए और इसमें कुछ भी नहीं। चलिए अगली है विद्यार्थियों शिक्षा की सार्जेंट योजना। अगली है विद्यार्थियों शिक्षा की सार्जेंट योजना। अगली है शिक्षा की सार्जेंट योजना। किस वर्ष आई है सार्जेंट योजना? 1944 में आई है विद्यार्थियों। किससे जुड़ी हुई है यदि हम देखें शिक्षा की सार्वजनिक योजना, तो इस योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये कहा गया था शिक्षा की सार्जेंट योजना के अंतर्गत। इस योजना की झलक जो है हमें मूल अधिकारों में भी मिलती है, जहां पर हम देखते हैं 21A संविधान का अनुच्छेद 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो संभवतः ये जो अनुच्छेद 21A है वो सार्जेंट योजना से प्रभावित हो सकता है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ये थी शिक्षा की सार्जेंट योजना, एक लाइन की है बस और इसमें कुछ भी नहीं है। और आगे आप हेडिंग डाल लीजिए लास्ट इसमें, राधा कृष्णन आयोग, शिक्षा से जुड़ा हुआ अगला आयोग जिसका नाम है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्ण आयोग किस वर्ष आया है ये आयोग? तो 1948 1949। में आया राधा कृष्ण आयोग। महत्वपूर्ण विशेषताएं यदि हम इस आयोग की देखें तो वो क्या हैं? देखते हैं जरा। तो पहली जो इस आयोग ने सिफारिश की वो ये कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की हो, जिसको अभी जस्ट हमने देखा था वही है ये, इसमें ये बात दोहरा दी गई कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। इससे पहले हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, इससे पहले जो हमने पढ़ा था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, उसमें भी ये बात कही गई थी कि स्कूली शिक्षा से पहले 12 वर्ष की, स्नातक शिक्षा से पहले 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, तो उसी बात को राधा कृष्ण आयोग ने दोहरा दिया। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें वो ये कि शिक्षा को संवर्ग की सूची में रखा जाए, ये महत्वपूर्ण बात है, पेपर में पूछी जा सकती है। दूसरी सिफारिश इन्होंने लगाई कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। वर्तमान समय में शिक्षा समवर्ती सूची में ही शामिल है। समवर्ती सूची क्या होती है विद्यार्थियों? तो संविधान का जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर यह आएगा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बेसिकली क्या है, तो एक लाइन में मैं आपको बताता हूं, ऐसे विषय जिन पर केंद्र कानून बनाता है वो रखे जाते हैं केंद्र सूची में। उदाहरण के लिए जैसे रेल केंद्र के अधीन आती है, आर्मी केंद्र के अधीन आती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं BSF, CISF, CRPF, ये सब केंद्र के अधीन आते हैं, या अंतरिक्ष संगठन जो है वो भी केंद्र के अधीन आते हैं, बैंक, डाकखाना, ये सब केंद्र के अधीन आते हैं, तो इन पर कानून बनाता है केंद्र, तो ये होते हैं केंद्र सूची में। वे विषय जिन पर राज्य कानून बनाता है जैसे पुलिस,
तो वो आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। और तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उन्हें रखा जाता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, क्योंकि हम देखते हैं एक ओर प्राथमिक विद्यालय हैं जो कि राज्य द्वारा संचालित होते हैं, और दूसरी ओर उन्हीं के साथ चलते हैं नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल जो कि केंद्र के अधीन आते हैं। तो समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय जो जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना लें, उनको हम समवर्ती सूची में रखते हैं। तो राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश थी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, और वर्तमान समय में शिक्षा समवर्ती सूची में ही शामिल है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने सिफारिश की, एक विश्व विद्यालय आयोग स्थापित हो। तो प्रश्न पूछा जाता है विश्वविद्यालय आयोग, सॉरी इसका पूरा नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे अनुदान ऊपर, वैसे ले ऊपर लिखा जाता है, ये हंस पद ऊपर लगता है लेकिन ऊपर जगह नहीं है तो मैं नीचे ही लगा देता हूं इसको। तो इसका पूरा नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंग्लिश में से बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो एक विश्वविद्यालय, गलती हो गया, इसको मैं दोबारा ही लिख देता हूं। तो एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए, ऐसी सिफारिश लगाई इन्होंने, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग। राधा कृष्ण आयोग ने सिफारिश लगाई एक यूजीसी आयोग बनना चाहिए, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना की जाए। और राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश के बाद ही इसकी स्थापना की गई। प्रश्न पूछा जाता है कि यूजीसी, इसको हम क्या बोलते हैं, यूजीसी, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई है विद्यार्थियों? तो ध्यान रखेंगे 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई है। और किस आयोग की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना हुई? तो वो है राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना की गई। तो विद्यार्थियों, ये थे भारत में अंग्रेजी शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आयोग तथा कुछ समितियां, जिनको आज हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। लॉकडाउन चल ही रहा है तो घर पर रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।